सब्जी मेरी हो गई है। अब इस सब्जी को चपाती के साथ, पराठा के साथ, पूड़ी के साथ कैसे भी आप खा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रेमा निधि फूड में। आज हम आपके सामने एक नई रेसिपी आलू गोभी मटर की सब्जी की लेके आए हैं। आगे देखते हैं हम आलू गोभी मटर की सब्जी कैसे बनाते हैं। 2 चम्मच तेल डालेंगे, बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच तेल डालेंगे। देखिए, तेल को चेक करने के लिए हाथ ऊपर रखेंगे, खुद ही पता चलेगा कि तेल गर्म है कि नहीं। अभी तेल मेरा गर्म नहीं हुआ है। अब तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें गोभी तलने के लिए डाल देंगे। दो मिनट तक फ्राई करेंगे, कलर इसका चेंज हो जाएगा। देखिए, गोभी मेरा फ्राई हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे, एक बर्तन में आराम से धीरे धीरे निकाल लें। देखिए तेल बचा है, थोड़ा सा तेल ऐड कर लेंगे 1 चम्मच के करीब। फिर आलू को भी फ्राई करने के लिए डाल देंगे, तेल गर्म हो जाए उसमें। तेल गर्म, आलू को भी फ्राई होने के लिए डाल देंगे। 2 मिनट इसे भी फ्राई करेंगे। आलू भी मेरा फ्राई हो गया, अब इसे भी बर्तन में निकाल लेंगे और हल्का सा 1 मिनट के लिए हम मटर को भी भून लेंगे। इससे सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, फ्राई करके बनाने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी आलू गोभी मटर की बनती है। ठंडे के सीजन में कैसे बनाते हैं आप, तो बच्चों को खाई। देखिए, मटर भी भून के तैयार हो गया। अब इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए, कढ़ाई मेरी गर्म है। अब हम इसमें तेल ऐड कर देंगे मसाला भूनने के लिए। तेल मेरा गर्म है, अब इसमें हम पचफोरन डालेंगे। देखिए, आधा चम्मच के करीब हम इसमें पचफोरन, थोड़ा आधा चम्मच के करीब जीरा, थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे। कढ़ाई में प्याज डाल दिए हैं, प्याज मेरा हल्का सा भून गया। कटा हुआ हरा मिर्च डाल देंगे, अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसमें, और अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। इसको भी हम भून लेंगे। प्याज मेरा देखिए भून के तैयार हो गया है। अब हम इसमें एक मसाला ऐड कर देंगे। लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाई थी, इसको भी हम डाल देंगे। एक मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब सब मसाला ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला 1 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला, धनिया पाउडर आधा चम्मच। धनिया पाउडर डाल के सब मसाला डाल के अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब मिर्चा पाउडर, टमाटर धो के पहले से ही तैयार कर लिया था, इसमें डाल के अच्छे से चला लेंगे। आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा कप के करीब मैंने पानी इसमें थोड़ा सा ऐड करके ढक के रख देंगे, मेरा मसाला अच्छे से भून जाए। तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल ना छूट जाए।
अब हम इसे ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। इसे ढक के रख देंगे। देखिए मेरा मसाला भून के तैयार हो गया। अब हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए तेल छोड़ दिया है, मसाला भून के तैयार हो गया। मसाला भून के तैयार हो गया। अब हम इसमें जो गोभी आलू मटर को भून के रखे थे इसमें हम डाल देंगे। डाल के अच्छे से चला लेंगे। देखिए गोभी आलू मटर जो फ्राई करके रखे थे, मसाला भून के तैयार हो गया था, हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ग्रेवी वाली सब्जी बनाना चाहते हैं या सूखा सब्जी बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। हम ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं तो इसमें 2 कप पानी ऐड कर देंगे। देखिए गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब देख लेंगे सब्जी हो चुकी है कि नहीं। नहीं अभी सब्जी नहीं हुआ, अभी पका हुआ नहीं है, अभी कच्चा ही है, थोड़ा ही कच्चा है। 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम देख लेंगे कि सब्जी हो चुका है कि नहीं। देखिए मेरी सब्जी पक गई है। वाह क्या खुशबू आ रही है सब्जी में। सब्जी मेरी बन के तैयार हो गई है। आलू को टच करके देख लेंगे आलू गोभी को भी सब्जी हुआ है कि नहीं। एक चम्मच की सहायता से देखिए सब्जी मेरी हो गई है। अब गैस बंद कर देंगे। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए आलू गोभी की सब्जी बन के तैयार हो गई। हम इसे एक बर्तन में निकाल लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।